यूपी के कई जिलों पर चला शराब नष्ट करने का अभियान। वही मथुरा में छाता थाने पर शराब तस्करों से जब्त करके रखी हुई लाखों रुपए की अवैध शराब को किया गया नष्ट। जिस शराब को लोग शौक से पीते हैं, इसे खरीदने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और अपनी मस्ती में मस्त होकर अंगूर की बेटी के नशे में झूमते रहते हैं। आज उसी शराब को थाना छाता कोतवाली पुलिस एवं आबकारी विभाग की टीम की संयुक्त टीम द्वारा छाता कोतवाली में विभिन्न मामलों में पकड़ी रखी गई हरियाणा दिल्ली मार्ग एवं विभिन्न प्रांतों की जब्त की गई शराब को उच्च अधिकारियों के आदेश के तहत थाना परिसर के निकट जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नष्ट करवाया गया। जब्त की गई अवैध शराब 16,000 लीटर है और जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद न्यायालय के आदेश बाद थाने में रखी विभिन्न मुकदमों से संबंधित देशी व अंग्रेजी शराब को कराया गया नष्ट। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव की निगरानी में 3118 लीटर शराब कराई गई जमीन दोष। थाना उत्तर पुलिस किशन नगर में जेसीबी की मदद से शराब को कराया गया नष्ट। जी सर, बताया छाता थाने में अवैध शराब नष्ट कराई गई है, क्या कुछ? 1 से 13 मुकदमों तक जो पकड़े गए थे, इनका विनिष्टीकरण आज हुआ। 350 पेटी माल थे जिसमें लगभग 16,000 की जो शराब नष्ट कराई गई। ये किस तरह की शराब है? ये जो तस्कर जो तस्करी करते हैं, जो पकड़ी जाती है थानों में, वो शराब। किस किन प्रांतों की शराब हो सकती है? ये अधिकतर हरियाणा दिल्ली की जो है शराब थी। अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख थी। थाना उत्तर में सर क्या कार्रवाई हुई है? ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे माल निस्तारण अभियान के क्रम में आज थाना उत्तर में 111 अभियोगों से संबंधित 3118 लीटर अवैध शराब को नष्ट कराया गया है।